की महाराज अपने दिव्य वाणी के द्वारा करें स्वामी जी। लेकिन समझने वाली बात यह है
कि क्या हमारे पास में बहुत अच्छा मकान हो, बहुत रुपया पैसा हो, बहुत वैभव हो, क्या यही गुरु कृपा होती है या गुरु कृपा कुछ अलग होती है? ये समझने वाली बात है। बहुत लोग वैभवशाली होते हैं तो ऐसा समझते हैं कि हमारे पास गुरु कृपा है, और बहुत लोग थोड़ा आर्थिक हालात से जूझ रहे होते हैं तो वो लोग शायद ऐसा सोचते हैं कि अभी हमारे ऊपर भगवान की और गुरु की कृपा नहीं है। तो देखो, गुरु की कृपा का मतलब बहुत वैभव, बहुत संपन्न होना नहीं है। भगवान की और गुरु की कृपा से इसका कोई लेना देना नहीं है। भगवान की कृपा, गुरु की कृपा संपूर्ण संसार के ऊपर, संपूर्ण सृष्टि के ऊपर अहर्निश एक रस बरस रही है। जैसे सूर्य का प्रकाश सभी के लिए सम है, वो चाहे कोई दुरात्मा हो, पतितात्मा हो, दुष्टात्मा हो, और चाहे कोई पुण्यात्मा हो, सूर्य यदि प्रकट हुआ है तो उसका प्रकाश सभी को सम रूप से मिलेगा। बरसात हो रही है, वर्षा हो रही है, तो प्रकृति प्रदत्त वो सबको मिलेगी। ऐसा नहीं है कि जो लोग भजन करते हैं केवल उनके ही खेतों में, उनके ही घरों में वर्षा का जल आएगा और बाकी जो पाप कर्म करते हैं उनके यहाँ वर्षा नहीं होगी। तो भगवान की तरफ से जो व्यवस्था की गई है, गुरु महाराज जी की तरफ से जो कृपा की और दया की जो व्यवस्था की गई है, वो सबके लिए सम है। लेकिन जो गुरु जी की विशेष सेवा करते हैं, जो विशेष गुरु मंत्र का जाप करते हैं, उनके ऊपर बिल्कुल उसी तरह से उन्हें अनुभूत होता है, महसूस होता है, जैसे किसी माता पिता के मान लो 6 या 8 बालक हैं। अब 6 या 8 बालक हैं तो एक ही माता पिता के, लेकिन उनमें से 2 बालक या 1 बालक कोई ऐसा सज्जन होता है, ऐसा पढ़ा लिखा होता है, ऐसा समझदार होता है कि उसे माता पिता का जो स्नेह है, क्यों? क्योंकि माता पिता जानते हैं कि ये बालक जो है हमारे मन के इशारे को समझ करके कार्य करता है, और बाकी जो बालक हैं वो थोड़ा मंद है, मंद बुद्धि है। कार्य तो वो भी करते हैं लेकिन वो थोड़ा मंद बुद्धि है। उन्हें हर बार समझाया जाता है, बताया जाता है कि बेटा ऐसा करो, तब जा करके वो कार्य करते हैं। तो माता पिता की कृपा है तो संपूर्ण बालकों पर, लेकिन विशेष स्नेह का पात्र जो है वो बालक हो जाता है जो बालक माता पिता के मन के अनुकूल चलता है। तो बिल्कुल ऐसे ही संसार में श्री गुरु महाराज जी की कृपा हमें प्राप्त होती है। तो प्रयास तो हमें यही करना है कि हम अपने श्री गुरुदेव भगवान के मन के अनुकूल होकर के चले, अनुकूल होकर के जिए। लेकिन यदि ऐसा संभव न भी हो पाए तो ऐसा कभी भी मन में भाव न आए कि हमारे ऊपर श्री गुरु महाराज जी की कृपा नहीं है, क्योंकि गुरु महाराज जी की कृपा अहर्निश एक रस सारे संसार के ऊपर बरसती है और वो हम सभी को प्राप्त होती है। तो प्रेम से बोलो राधे। श्रीमद् भागवत में
महात्म के अंदर ही बड़ा एक सुंदर सा श्लोक आया है, चिंता मणिर लोक सुखम सुरद्रुह स्वर्ग संपदम प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगि दुर्लभम। यदि आपके पास संसार में चिंतामणि नामक मणि है तो आप उस मणि के माध्यम से संसार की समस्त चिंताओं का हरण कर सकते हैं, अपनी सारी कामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। और जब आप नाक तक झिक जाएं कि अब संसार में ऐसा कोई भोग नहीं है जो हमने इस मणि के माध्यम से न भोगा हो, और फिर आप उस मणि के प्रभाव से ही संत सेवा, गौ सेवा, ब्राह्मण सेवा, अतिथियों का सत्कार और अनेकों प्रकार की सेवा करके बहुत सारा पुण्य अर्जित कर लें, तो फिर क्या होगा, उस पुण्य के माध्यम से जो चिंतामणि के प्रभाव से आपने अर्जित किया है, तो आप जब संसार छोड़ करके जाएंगे तो संसार से आपको स्वर्ग के इंद्र के पार्षद लेकर के जाएंगे, और आप स्वर्ग में जाकर के भी अनेकों प्रकार के भोगों का उपभोग करेंगे। सुरद्रुह स्वर्ग संपदम माने स्वर्ग की संपदा को भी आप प्राप्त कर लेंगे। लेकिन यदि आप चाहें कि उस चिंता मणि के प्रभाव से, उस चिंता मणि के माध्यम से आप भगवान श्री हरि के धाम की प्राप्ति कर ले या भगवान की प्राप्ति कर ले, तो ऐसा संभव नहीं है। ऐसा संभव कब होगा, तो ऐसा संभव तभी होगा जब प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगि दुर्लभम। बड़े बड़े योगियों को, बड़े बड़े ध्यानियों को, बड़े बड़े ज्ञानियों को भगवान का जो धाम है, भगवान की जो अनुभूति है, वो केवल और केवल आज तक जिसे भी हुई है वो गुरु महाराज जी की कृपा के माध्यम से ही संभव हुई है। तो कहने का तात्पर्य क्या है, तो देखो कहने का तात्पर्य केवल यही है कि आप अपने पुरुषार्थ से चाहे संसार में कुछ भी अर्जित कर लो, लेकिन यदि भगवान को पाना है, यदि रमण बिहारी के पास आना है, रमण बिहारी का घर बैठे भी अनुभव प्राप्त करना है, तो आप गुरु महाराज की कृपा के बिना ऐसा नहीं कर सकते। क्योंकि जैसे प्रकृति का नियम है कि जातस्य हे ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्यर्थे न त्वं सोचितु मनसि। तो जैसे जीव का जन्म होता है और जन्म के साथ ही मृत्यु देवी भी आ जाती है, और फिर समय आने पर जीव संसार से चला जाता है, ठीक उसी तरह से प्रकृति का ये नियम है कि प्रकृति में, इस संसार में भगवान का दर्शन हो, चाहे भगवान की अनुभूति हो, चाहे भगवान की कृपा हो, उसका एकमात्र हेतु जो होता है वो श्री गुरुदेव भगवान ही होते हैं। तो आज हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं, आज इस वार्षिक महामहोत्सव का प्रारंभ हुआ है, तो अनेकों महापुरुषों का आशीर्वाद को हम लेते ही रहेंगे, क्योंकि ये हमारे मम कर्ण रसायन, हमारे कानों के माध्यम से हमारे कल्याण के लिए, हमारे जीवन को स्वस्थ बनाने के लिए ये सत्संग रूपी औषधि का हम लोग
श्री रमण बेदी धाम में काम कर रहे हैं। तो आइए कुछ क्षणों के लिए हम आपके मन को श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में, ठाकुर श्री रमण बिहारी लाल जी के चरणों में लेकर के चले, जोड़ने का प्रयास करें। और तत्पश्चात फिर हम लोग महापुरुषों का आशीर्वाद श्रवण करेंगे। तो आइए हमारे साथ में कहने का प्रयास करिए। ओ मन चल रे रमण रे ती चलिए,